ग्लोबल लॉजिक कंपनी के ख्याम के लिए निजामाबाद में तमाम सहूलियात फराम की जाएगी, MLC कविता। कंपनी के नुमाइंदे मंगल को IT हब का दौरा करेंगे। MLC कविता ने मशहूर हिटाची ग्रुप की जेली कंपनी ग्लोबल लॉजिक से अपील की कि वो निजामाबाद के जल्द शुरू होने वाले IT हब में एक कंपनी कायम करे। पीर को तंजीम के नायब सदर गुरु कुमार कोलन और कंटेंट इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के नायब सदर कृष्णा मोहन वेरावली ने हैदराबाद में MLC कविता से मुलाकात की। इस मीटिंग में MLS बाजी रेड्डी गोवर्धन और शकील आमिर ने भी शिरकत करते हुए निजामाबाद IT हब पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कविता ने कंपनी के नुमाइंदों को ट्रांसपोर्ट, पानी और बिजली जैसी सहूलियत के साथ साथ अमन व सलामती के बारे में बताया। बाजी रेड्डी गोवर्धन ने वाजे किया कि वो ट्रांसपोर्ट की सहूलियत के लिहाज से RTC बसों को IT हब तक पहुंचाने के लिए सख्त मेहनत करेंगे। कंपनी के नुमाइंदों ने कहा कि खातिन को निजामाबाद में फराम की जाने वाली मुलाजिमतों में तरजीह दी जाएगी। कंपनी के नुमाइंदे मंगल को निजामाबाद IT हब का दौरा करेंगे। MLC कविता ने कहा कि इन्हें खुशी है कि ग्लोबल लॉजिक कंपनी के नुमाइंदों ने IT हब में कंपनी कायम करने की इनकी दरख्वास्त का मजबूत जवाब दिया। CM KCR और IT वजीर KTR ने कहा कि नौजवानों को मुकामी तौर पर रोजगार के मौके फराम करने के मकसद से वो तमाम अजला में IT हब्स की मनसूबाबंदी और अमल आवरी कर रहे हैं। MLC कविता ने वाजे किया कि ये KCR के विजन का सबूत है। इन्होंने कहा कि हुकूमत IT हब में कायम किए जाने वाली कंपनियों को तमाम सहूलियात फराम करने के लिए तैयार है। MLC कविता ने कहा कि मुस्तकबिल में निजामाबाद में मजीद कंपनियां कायम की जाएंगी और मुकामी नौजवानों पर जोर दिया कि वो इन मौके से इस्तेफादा करें। इस मौके पर BRS NRI सेल ग्लोबल कोआर्डिनेटर महेश बेगाला गुप्ता ने भी इस मीटिंग में शिरकत की।